त्योहारों का मौका है और राजधानी रांची वासियों की नगर निगम पर टकटकी लगी हुई है कि किस तरह से साफ सफाई हो और तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उससे निजात मिले। लेकिन राजधानी रांची के रांची नगर निगम का हाल हम दिखाना चाहते हैं। यहां पर नगर आयुक्त हैं रजनीश कुमार, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इनके चैम्बर को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से ये जनता के जो पैसे हैं वो देखिए। अभी घड़ी के लगातार 12 बज चुके हैं, 12 बज के 15 मिनट होने वाले हैं, लेकिन जो नगर आयुक्त महोदय हैं उनकी उपस्थिति नदारद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये चैम्बर है और चैम्बर शोभे की वस्तु बन चुका है। जो जनता लगातार अपने कर के माध्यम से इन लोगों के वेतन का भुगतान करवाती है वो जनता परेशान है, लेकिन इन लोगों को 12 बजे के बाद आना है और 4 बजे के पहले ही चले जाना है। 4 बजे अगर आप आइएगा यहाँ अधिकारी मुलाकात अगर हो जाए तो शायद आपकी खुशनसीबी होगी। और दूसरे चैम्बर पर दिखाते हैं ये कुंवर सिंह पाहन का, जो उप नगर आयुक्त हैं, यहाँ भी आपको दिखाते हैं ये चैम्बर बना हुआ है। करोड़ों रुपए के लागत से ये कितने सोफा साज सज्जा तमाम चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं करोड़ों रुपए खर्च करके जनता के राशि का दुरुपयोग किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। आप नज़ारा ये है कि तमाम लोग ये परेशान हैं और लोग नगर आयुक्त से मिलने आते हैं, लेकिन परेशानी का आलम यह है कि लोग यहाँ पर केवल भीड़ इकट्ठा करते हैं। आप लोग नगर आयुक्त से मुलाकात हुई यहाँ पे? नहीं हुआ। हम लोग सुबह से आकर उन्हीं को इंतजार कर रहे हैं, किसी से मुलाकात नहीं हो रहा है। हम लोग परेशान हैं अपने, हम लोग दुकान बंद करवा दिए, सुबह से परेशान हैं हम लोग। ये अधिकारियों की उदासीनता है और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार किस तरीके से काम कर रही है आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कैसे लोग, जो जनता टैक्स के पैसे से इनका वेतन चलता है, लेकिन इनकी जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करने के में ये कोताही बरतते हैं। आप लोग नगर आयुक्त से मिलने आए? हाँ, मिलने आए हैं। तो यहाँ पर मिले? नहीं मिले। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ जनता की पैसों से जिस तरह से वेतन, बंगले, गाड़ी, बॉडीगार्ड और तमाम तरह की सुविधाएं ये नगर आयुक्त लेते हैं और जनता के सेवा के नाम पर मोटी तनख्वाह उठाते हैं, लाख डेढ़ लाख की मोटी सैलरी ये उठाते हैं, लेकिन इनकी जो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी की जो स्थिति है वो कहा जा सकता है कि नाराज है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये कुर्सियाँ हैं जो खाली हैं, आप देख सकते हैं कई लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोग फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, यानी सरकारी पैसे का किस तरह से झारखंड में दुरुपयोग हो रहा है यह आप नज़ारा देखिए, किस तरह से झारखंड की गरीब जनता के पैसे को लूटा जा रहा है अधिकारियों के जरिए और अधिकारी किस तरह से बेपरवाह होकर और किस तरह से वो ड्यूटी कर रहे हैं इसका अंदाज़ा लगाइए। इसकी वानगी आप समझ सकते हैं कि नगर निगम में आखिर क्या कुछ हो रहा है। तमाम लोग इंतज़ार में बैठे हैं और 12 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, कितने बज गए हैं? 12:03 हो गया सर। तो नगर आयुक्त वगैरह मिले आप लोग? अभी तक तो कि कोई से भेंट नहीं हो चुका है। किसी से नहीं हुआ भेंट। जनता के पैसे से किस तरह से ये अधिकारी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और किस तरह से वेतन के पैसे लेकर मौज मस्ती कर रहे हैं इसका अंदाज़ा खुद ही लगाइए। हेमंत सोरेन के पास ही खुद नगर विकास है और नगर विकास के ये अधिकारी हैं, नगर विकास जो विभाग है वो उसके ये अधिकारी हैं और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस विभाग के विभागीय मंत्री भी हैं। ऐसे में ये लापरवाही क्या कुछ कही जा सकती है, जिस तरह से हेमंत सोरेन लगातार गरीबों की बात करते हैं और गरीबों को जो सुविधाएं देने की बातें वो लगातार करते हैं, लेकिन अधिकारियों पर उनकी लगाम नहीं लगती है। अब ऐसे में अंदाज़ा लगाइए कि झारखंड का भगवान ही मालिक है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।